यानी कोई व्यक्ति घर लूट करके ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। पैसा जिसने दिया है और जिसको दिया है उसका कोई ट्रेल प्रूफ पक्का होना, मनी ट्रेल, हाँ मनी ट्रैक होना चाहिए। अब जैसे बिहार है, नौकरी के बदले जमीन का कांड हुआ, तो जमीन किसकी थी वो पता है, अब जमीन किसकी है वो पता है, और उसी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिला है वो भी पता है, तो फिट होता है बिल्कुल। और डेट बैठती है कि इस तारीख को नौकरी मिली और इस तारीख को जमीन दी। तो अब मैंने अफसर को मेरे ढूंढो क्या हम जमीन उनको वापस दे सकते हैं क्या, उस पर देखें। उसी प्रकार से आपके बंगाल में रेड कार्ड है कि टीचर बनना है तो ऑफिशियल रेड कार्ड है जी, और उस पैसों का भी कैटेगरी ए को इतना जाएगा, कैटेगरी दो को इतना जाएगा, कैटेगरी तीन को जाएगा, ऐसा ही कुछ जीन्युअली जिसके पास सर्टिफिकेट है, योग्यता है, जिसको नौकरी मिली है वो अलग देगा, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन पा लिया है उसको अलग करो। फिर सरकार अपनी सिस्टम से दे दो, तो 3,000 करोड़ रुपया सरकार ने जब तक किया हुआ, और प्रॉपर्टी के हिसाब से दें तो मैं 1,25,000 करोड़ रुपए के अटैचमेंट है। अब जैसे केरल में वहाँ कोऑपरेटिव बैंक चलती है, ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक ए लेफ्ट वाले चलाते हैं, सभी कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम है ये, मिडिल क्लास लोगों ने बड़ी मेहनत के जमा किया हुआ पैसा है, तो पता है पैसा किसका था, बैंक डूब रही है। तो मैंने कहा भाई ये इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। अब मैंने कहा उसमें से जिनका पैसा है कितना परसेंटेज दे सकते हैं, देखो सबको समान रूप से बांट कर दे देंगे, वो प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, पिछले दिनों अलग अलग जो मुझे मिला उसमें से अब तक 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपये हम ऑलरेडी दे चुके हैं अब तक। तो ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए।